Hi everyone, welcome on Veena Education. और आज से यहाँ पर Human Resource Management का complete course start कर रहे हैं, जो कि आपका चाहे वो कोई भी exam हो Human Resource Management topic पे, या वो NET का exam हो, या HR का exam हो, MBA हो, BBA हो, Management हो, Commerce हो, या फिर किसी भी competition का exam हो जिसमें कि आप Human Resource Management topic लेते हैं, तो आपको इसमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से सारे कोर्स में क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर कंप्लीट आपको तैयारी करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। और ये जो टॉपिक ऐसा है कि आपको कॉमर्स में भी है, मैनेजमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आज हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। अब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी कौन काम करता है, तो ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं, ह्यूमन काम करते हैं, लोग काम करते हैं। तो बिना लोगों के कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे रिसोर्स हो, सामान हो, वो खुद से नहीं चलेगा। तो ह्यूमन को क्या कहा गया, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा गया। रिसोर्स मीन्स एक यूजफुल थिंग, जिसको कि हम यूज करके कुछ प्रोडक्टिव चीज बना सके। तो बिना एम्प्लॉय के, बिना वर्कर्स के कोई कंपनी रन नहीं कर सकती। तो और ह्यूमन को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अब ये समझना है कि ह्यूमन को मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है। आप अगर क्या करते हैं, किसी भी मशीन को बनाते हैं, टूल को बनाते हैं और उसको चलाते हैं, तो उसमें जिस तरह का फंक्शन आप डालते हैं, चाहे वो 100 मशीन्स हो, चाहे 1000 मशीन्स हो, सेम तरह का फंक्शन आपको देंगी। चाहे वो कहीं जाके आप चलाइए, अगर उसको आप सेम उस टेक्निक से उसको डेवलप करते हैं तो। लेकिन अगर एक आप इम्प्लॉय, एक किसी पर्सन को कितना भी ट्रेनिंग दे करके, आप 100 लोगों को अगर ट्रेनिंग देते हैं और उन लोगों को एक ही तरह का ट्रेनिंग एक ही समय में प्रोवाइड करते हैं, फिर भी जब वो वर्क करने जाएंगे तो हर एक किसी का वर्क डिफरेंट होता है। और ये जो डिफरेंस है, ये बहुत चीज पर डिपेंड करता है। एक तो उनका अपना इनर क्वालिटी, फिर उसके बाद जहां वो काम करने जाते हैं वहां का माहौल, उनका अपना एटीट्यूड, उनका काम के प्रति रवैया, बिहेवियर, फिर एम्प्लॉय अगर है तो उसके एम्प्लॉयर का जो उसके साथ जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, या फिर उसका जो बिहेवियर है, उसका असर हर इंसान पे अलग अलग पड़ता है। हो सकता है उसी माहौल में कोई दूसरा अच्छे से वर्क कर ले और किसी को वहां पे वर्क करने में ही कठिनाई हो और कंपनी को छोड़ दे। तो ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन जो है वो कभी भी उसकी क्वालिटी एक नहीं हो सकती। तो हर किसी से उसका मैक्सिमम कैसे लिया जाए, मैक्सिमम उसके जो एफिशिएंसी है उसको कैसे यूज किया जाए, इसकी जरूरत अब पड़ी। कि अगर किसी के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर वो कंपनी को अपना 100% नहीं दे रहा है, तो वो टैलेंट आप नहीं देना चाह रहा है, तो आप उसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। आप उससे तभी उसको यूज कर सकते जब आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको ऐसा कुछ सिचुएशन दीजिए, एनवायरमेंट दीजिए, तभी वो अपना 100% देगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ये होता है कि सही पर्सनल को, पर्सनल मीन्स यहाँ पे कर्मचारी है, पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल को, सही कर्मचारी को, सही एम्प्लॉय को सही जगह पे लगाना, उसके स्किल्स के अनुसार, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार, उसके वर्क कैपेसिटी के अनुसार उसको सही जगह पे लगाना, ताकि उससे 100% लिया जा सके, उसको ऐसा इन्वॉल्वमेंट देना ताकि वो उस कंपनी के ग्रोथ में अपना 100% दे। और जब वो अपना 100% देगा जिस वर्क में, तो कंपनी का फायदा होगा, प्रोडक्शन सही होगा और कंपनी आगे जाएगी। लेकिन अगर क्या होता है, अगर कोई 2-4 लोग हैं, दूसरा है कि वो अपना 100% दे भी रहा है, वहां का अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो आपस में डिस्प्यूट्स होंगे, सबको अगर इक्वल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपस में तब भी डिस्प्यूट होंगे। मैनेजर और ये फिर वर्कर में के बीच में अगर रिलेशन सही नहीं है, तो भी डिस्प्यूट होंगे। अगर डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, ये कोई मशीन नहीं है कि आप उसे ऑन कर दीजिए वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर उसके उसका मेंटल बैलेंस, उसका इमोशनल बैलेंस सही नहीं है, तो वो अपना परफॉर्मेंस सही नहीं करेगा। तो उसके लिए
एक क्या हो गया, अब जरूरत पड़ी। शुरू में तो था ही कि वर्क को देखने के लिए, लेकिन आज जरूरत है। जरूरत किस बात की पड़ी कि उसी वर्कर से, उसी एम्प्लॉय से, उसका फुल उस स्ट्रेंथ के साथ पूरा 100% यूज किया जाए कंपनी के बेनिफिट में। अब इसके लिए क्या किया जाए, उसको फैसिलिटी दिया जाए ताकि उसका अपना पर्सनल जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होंगे, उसका अपना जो फैमिली है वो नीड सेटिस्फाई होगा, उसका ईगो सेटिस्फाइड होगा, उसका जो अचीवमेंट है, उसका जो कैरियर बनाने का जो एम है। कोई भी आदमी सिर्फ काम करके ही सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको कुछ और भी चाहिए होता है, कुछ और भी अचीव करना होता है, तो उसमें भी मदद करना। तो अगर कोई कंपनी इन सब चीजों में अगर किसी भी इम्प्लॉय को मदद कर रही है, तभी वो इम्प्लॉय वहां टिकेगा, या कोई भी हो, उस काम में उसका तभी मन लगेगा जब उसका हर तरफ से ग्रोथ हो। और इस चीज के बारे में सोचना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या उस डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है कि आपने ऐसा बता दिया, ऐसा रूल बना दिया और सब कोई उसी पर चलेगा। चलेगा, लेकिन 100% फॉलो नहीं करेगा, अपना 100% नहीं देगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जरूरत तो पड़ा, इसलिए पहले इसका नाम क्या था, पर्सनल मैनेजमेंट। ये भी आप जानिए, आगे और डिस्कस करेंगे। ये नाम बदल करके रिसेंटली कुछ इयर्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ। पहले था पर्सनल मैनेजमेंट, मीन्स कर्मचारी को मैनेज करना। तब एक जो मैनेजर था, जो पर्सनल मैनेजर उसको बोलते थे, उसका काम था कि उसको वर्क असाइन करना, क्या आपको काम करना है, उसका अटेंडेंस देखना, उसका सैलरी देखना, और ये सब हो गया। जो भी ऑफिशियल प्रैक्टिकल वर्क था उसके लिए वो जिम्मेदार था कि काम कैसे लेना है। अब उसका नाम बदल करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया गया। इसमें क्या डिफरेंसेस है, दोनों डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें थोड़ा डेफिनेशन में आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल। आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि अगर कैसा भी डेफिनेशन पूछे, कुछ भी पूछे, ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि हर कोई आजकल, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, एक अंत में जब या तो प्रमोशन करके या फिर वो चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट में जाएं, सीनियर जो टॉप लेवल का पोस्ट सब होता है वो मैनेजमेंट से ही संबंधित होता है। तो आपको समझना है कि मैनेजमेंट क्या है, बहुत जरूरी है इसको समझना। तो इसलिए ये नहीं कि सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़ना है इसलिए इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे अपने बिहेवियर में लाएंगे, खुद से कैसे इफेक्टिव बनेंगे, इसके लिए भी इस चीज को पढ़ना जरूरी है। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, आगे इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। पर जैसा इसका इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल। ठीक है, उसको फिर क्या करना, एम्प्लॉय करने के बाद उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग दे, उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बाद उसको डेवलप करना है कुछ ऐसा पॉलिसीज रिलेटिंग टू द वर्क प्लेस कि हम ऐसे ऐसे करेंगे काम ताकि सबका उसमें बेनिफिट हो। ये काम है ह्यूमन रिसोर्स का। एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू रिटेन एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए भी वर्क करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। मान लिया आपने एम्प्लॉय पे बहुत सारा वर्क किया, उसको ट्रेनिंग दिया, उस जब शुरू से लेकर उसको यहाँ तक पहुंचा दिए, और जब आपको उससे काम लेने का समय आ गया, कंपनी के लिए बेनिफिट उससे मिलना है, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ देगा, तो क्या होगा, आपका उसमें फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये भी उसमें जरूरी है कि पहले तो एम्प्लॉय करना सही पीपल को सही प्लेस पे, फिर उसको ट्रेनिंग देना, उस लायक बनाना, उसके एफिशिएंट करना, और उसको अपनी कंपनी में बनाए रखना। तो बनाए रखने के लिए ही उसको डिफरेंट तरह के उसके ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई ह्यूमन वांट्स जो है, अगर वो यहाँ तक आके सेटिस्फाई हो गया तो खुद चाहेगा कि उसके बाद उसको प्रमोशन मिले, वो आगे जाए, हायर लेवल पे जाए, उसको पोस्ट मिले, उसको सब कुछ मिले। तो वो अगर वो नहीं कर पाएगा तो कंपनी छोड़ देगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो ये याद रखना है कि उसका काम है एम्प्लॉइंग पीपल, ट्रेनिंग देम,
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये काम है उसको ट्रेनिंग देना, फिर उसके बाद क्या करना, उसको डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू रिटेन देम, उसको अपने यहाँ रोक के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एम्प्लॉई को अपने यहाँ लाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, ठीक है, उसको पहले क्या रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, फिर उनका प्लेसमेंट होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाके कुछ दिन वर्क करने के बाद वो आपकी कंपनी के लिए सही बनते हैं। और उसके बाद उनको अपनी कंपनी में अगर रोक के नहीं रखा जाए तो क्या होगा, तो अपनी कंपनी में रोक के रखना ये भी बहुत जरूरी है। उसके लिए फिर तरह तरह के पॉलिसीज और रूल्स बनते हैं। अब देखिए कैपिटल क्या होता है, पूंजी, जिसको कहते हैं कि कैपिटल मींस लोग सोचते हैं कि पैसा, समझ में आता है। तो कैपिटल इंक्लूड्स ऑल रिसोर्सेज अ कंपनी यूजेस टू जनरेट रेवेन्यू। कैपिटल माने वो सब कुछ है जिसको कि यूज करके कोई कंपनी क्या करता है, अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, अपना पैसा बनाता है, प्रॉफिट बनाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज और द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ये याद रखना है। जितने भी रिसोर्सेस हैं वो तभी फंक्शन करेंगे, तभी काम करेंगे जबकि आपका क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स काम करेगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स काम नहीं करेगा तो सारी कंपनी बैठ जाएगी, अगर वहां स्ट्राइक हो गया तो आपका सारा रिसोर्सेस पड़ा रह जाएगा, लेकिन आप उसको वर्क नहीं कर पाएंगे, कंपनी आपकी महीनों में घाटे में चली जाएगी। एक दिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है तो कितना का घाटा होता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ह्यूमंस को सेटिस्फाई करना भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी उसी सब चीज पर जब हमने बात किया, कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए जिस दिन को कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ठीक है, ये आपको ध्यान देना ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या, फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको समझिए। पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत क्यों है, मेजर्स पुट इनटू प्लेस दैट रिस्पॉन्ड्स टू द एथिकल एंड सोशल नीड्स और चैलेंजेस, एथिकल एंड सोशल नीड्स और चैलेंजेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉइज। दिस इंक्लूड्स लीगल इश्यूज सच एज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए अब कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई लेबर, अब उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसका शोषण होगा, तो क्या होगा, सिर्फ उसकी उसके ऊपर ही इसका असर नहीं पड़ेगा, उसका असर आप उसकी फैमिली पर, उसकी सोसाइटी पे, सब कुछ पे पड़ता है। तो शुरू में क्या हुआ था, जब लेबर वर्कर काम करते थे तो उनका क्या शोषण होता, जितना वो काम करते थे उनसे कम उनको सैलरी मिलता था, उनसे उनके बेनिफिट के लिए कोई बात ही नहीं होती थी। ये सब हम लोग आगे के क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लीगल बहुत सारे लॉ बने हैं जिनको भी आपको पढ़ना है, और एज आप लोग कंपनी में वर्क करने जाते हैं तो सारे लॉज को आपको मालूम होना है कि क्या क्या इम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए लॉज बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना हो। तो यहाँ पर सोसाइटल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंतर्गत लीगल इश्यूज, जो उसका राइट्स है, जो लॉ है, वो आपको समझना है ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो, क्योंकि लेबर को, वर्कर को आप अपने सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। अगर उनका ग्रोथ नहीं होता है तो कभी किसी सोसाइटी का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है। अगर सोसाइटी उन वहाँ डिस्प्यूट है तो सोसाइटी में हमेशा प्रॉब्लम आएगा हर जगह, ठीक है। तो इस पर इस जो आपको सिर्फ अभी जानना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को डेवलप करना और एथिकल वर्क हो, कंपनी क्या करे, किसी के साथ गलत नहीं करे। एथिकल मीन्स वही होता है कि न्यायपूर्ण वर्क करे, न्याय उसके लिए भी सोचे, उसके बेनिफिट के लिए भी सोचे, जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसका भी कोई लॉस नहीं हो। अगर वो खुश रहेगा तभी वो आपका अपना पूरा काम आपकी कंपनी को देगा, डेडिकेटेड होकर के, और कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए भी उसको सब कुछ मिले कि वो उसका फैमिली सफर नहीं करे, उसके बच्चों को एजुकेशन मिले, उसका समाज में जो एक स्टेटस होना चाहिए वो उसको मिले। सिर्फ खाना रहना ही सब कुछ नहीं होता, उसको सब कुछ अपने सोसाइटी में रहने के लिए उसको बहुत तरह के खर्चे, बहुत तरह की सुविधाएं देनी होती है ताकि उसको लगे कि हम यहाँ काम करें तो हमारी फैमिली सिक्योर है,
सिक्योरिटी देना, इसके लिए भी लॉ बना है, बहुत सारे लॉज बने हैं जो कि जिससे कि इम्प्लॉय और लेबर को फायदा हो रहा है। तो शुरू में तो नहीं था, तो उसके लिए पूरा आप हिस्ट्री पढ़िएगा, कैसे कैसे ट्रेड यूनियन बना, कैसे राइट हुआ, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल किया जाएगा आगे के क्लासेस में, जिससे कि और डिफरेंट 8, 10, 15 जो लॉज हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में आपको पढ़ना है। तो अब आइए सेकेंड जो अभी ऑब्जेक्टिव है समझते हैं, वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये होता है कि किसी कंपनी का जो फायदा हो, एम हो, उसको पूरा करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। अब कंपनी का फायदा कैसे होगा? वर्कर्स को सारा फैसिलिटी दिया जाएगा, उनके अच्छे एम्प्लॉय को अच्छी जगह, मतलब अच्छी जगह मतलब कि सुटेबल प्लेस पे, जिनको जिस तरह का वर्क आता है उनको उस तरह के काम में लगाया जाए। मान ले कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, उसको किसी दूसरे काम में लगा दिया गया, तो क्या उसका सारा जो स्किल है उसका 100% यूज हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे लोगों को वहां लगाया जाए जहां उनकी जरूरत है, उनको वैसा काम दिया जाए जिस काम में करने में उनको मन लगता है, तो वो उस काम को अच्छे से करेंगे और अपना पूरा एफर्ट उस पे लगाएंगे। ठीक है, तो कंपनी का क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। देखिए, एक्शंस टेकन दैट हेल्प टू इंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन को कब कहा जाता है कि वो एफिशिएंट है? जब कि उसके सारे एम्प्लॉई, सारे रिसोर्सेस, एम्प्लॉई ही नहीं बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेस, उनका वेस्ट कम होता है, वेस्ट कम होता है और उनका 100% यूज होता है। वेस्ट मैनेजमेंट भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट होता है कि किस तरह से प्रोडक्शन करें ताकि वेस्ट कम जाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है कि हर इम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे करके उनका परफॉर्मेंस को मैक्सिमम और एफिशिएंट बनाया जाए। तो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन तभी होता है कि वो हर चीज पर ध्यान दे। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस तरह से किया जाए, हायरिंग कहाँ किसको लगाया जाए, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को समझना है फॉर अ गिवन टास्क। मान लेते हैं कोई काम है, उस काम को 5 ही आदमी कर सकते हैं, आप वहां पे अगर 10 लोगों को लगा दिए तो क्या हो रहा है? आपका जो जो पैसा है, जो फिर कैपिटल है, वेस्ट हो रहा है। उस काम को अगर हम 5 के बदले 4 लोगों से ही करवा लेते हैं और उन्हीं को कुछ बेनिफिट दे देते हैं, तो क्या होता है, आप ज्यादा प्रोडक्शन आपका होगा और जी जो काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ पॉलिसीज ऐसे हैं जिस पर कि आगे आप लोग इसको समझेंगे। तो इसको कहते हैं कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितना एम्प्लॉय को कहाँ लगाना है, और अगर जितना जरूरत है उससे कम लगा देंगे तो भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। तो ये सब छोटे छोटे डिसीजन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेता है और उसका वर्क है। मेंटेनिंग हाई एम्प्लॉय रिटेंशन, ये सब को मेंटेन करना, रिटेन कर रखना, उसको रोक के रखना कंपनी में कि जितने पुराने लोग हैं वो रुके रहे, ताकि वो उनको क्या होता है, अनुभव होता है, अनुभव के आधार पे बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारा काम आसानी से हो जाता है। अब ये 4 में से तीसरा आ गया आपका फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शन करना। गाइडलाइंस यूज टू कीप एचआर फंक्शनिंग प्रॉपरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब ऑर्गेनाइजेशन तो कोई छोटा सा तो होता नहीं, बड़ा बड़ा है, उसके डिपार्टमेंट्स है, उसके ये, तो सारा जो डिपार्टमेंट है वो एज अ होल वर्क करे। तो उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाना, उनको वर्क वर्क डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये सब आप लोग इसमें पढ़ेंगे, किस तरह से एलोकेट किया जाता है उसको, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे इसमें। द इंक्लूड्स मेकिंग श्योर दैट एचआर रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड टू देयर फुल पोटेंशियल। जितने भी रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्स, उनको सही ढंग से एलोकेट दिया किया जाए, मतलब कि उनको सही जगह पे लगाया जाए। ये नहीं कि आज यहाँ पर 2 ही लोगों का काम था, 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं गप लड़ा रहे, ये नहीं। उनको ध्यान देना कि आपको इतने देर यहाँ काम करना है, अगर कोई एक्सेस है तो उनको कहीं और लगाना, यहाँ पे कमी है तो वहां पर से उनको इधर भेजना, उनको उनको वर्क असाइन करना कि क्या क्या काम करना है, दिन में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जो एफिशिएंट है उनको ज्यादा इंसेंटिव दे करके उनसे अधिक काम लेना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर इंसान को अगर एक ही ट्रेनिंग दिया जाता है फिर भी उनका जो आउटपुट है वो अलग अलग आता है। किसी को कम समय में ज्यादा आपको आउटपुट दे सकते हैं, कोई अधिक समय में कम दे सकते हैं, उनका अपना इनर जो कैपेबिलिटी होता है।
तो उस हिसाब से लोगों को एलोकेट करना, किसी को प्रमोशन करके किसी और डिपार्टमेंट में भेजना, ये सारे डिसीजन जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेता है, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये सब काम है, ठीक है। और फोर्थ है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसकी बात है कि एक पर्सनल मतलब यहाँ पर पर्सनल है अपना, किसी खास इम्प्लॉय का और लेबर का, उसका भी नीड्स को फुलफिल करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम होता है। तो ये क्या है, रिसोर्सेज यूज टू सपोर्ट द पर्सनल गोल्स ऑफ पर्सनल गोल, उसका अपना भी तो कुछ गोल होगा। कोई अगर किसी कंपनी में काम करने जाता है तो स्टार्टिंग शुरुआत कहीं से करता है, लेकिन उसका एम होता है कि हम कहीं पहुंचे, तो वहां तक पहुंचने में उसको मदद करना, ये भी इस डिपार्टमेंट का, इस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम का जो ऑब्जेक्टिव है। दिस इंक्लूड ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन और कैरियर डेवलपमेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरियर प्लानिंग, कैरियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सारा कुछ, जिससे कि उनका कैरियर जहाँ था वहीं नहीं रहे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इससे क्या होगा, कैरियर डेवलपमेंट होने से क्या होगा, एज वेल एज मेंटेनिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ऐसा होने से एम्प्लॉय में क्या होगा, सेटिस्फैक्शन आएगा, उनको लगेगा कि अगर हम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ कर रही है और हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसे लगेगा कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी को छोड़ के वो कहीं और ज्वाइन कर लेंगे जहां से उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो कंपनी को भी इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम उनको सेटिस्फाइड करें, उनके पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाइड करें। इस तरह सोशल नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल के नीड्स होते हैं, और फंक्शन अपने जो काम कंपनी में हो रहा है फंक्शन, ऑपरेशनल नीड्स बोलते हैं उसका जरूरत होती है, और पर्सनल नीड्स भी होते हैं, उन सबको पूरा करना ही सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का काम है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कि नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों नीड है, वो तो था कि उसका एम, अब जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, फॉर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे आईआर, जिस आज के दौर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडस्ट्री में इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन अगर सही नहीं है तो वर्क कभी भी स्मूथली नहीं होगा और प्रोडक्शन कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये हमेशा झगड़ा होते रहे, हमेशा डिस्प्यूट्स होते रहे, तो क्या होगा, कंपनी पीछे चली जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो आईआर को ने गुड बना के रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन को, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप लोग पढ़ेंगे इम्प्लॉय इम्प्लॉयर रिलेशन, गवर्नमेंट का उसमें कैसे ट्रेड यूनियन के साथ, ये सारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, ये टॉपिक आपका चलेगा जो कि इसका नीड है। सेकेंड है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो भी कमिट किया है उसका उसका अचीवमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रोडक्शन का जो फुलफिलमेंट, उसके प्रोडक्शन की क्वालिटी, उसको पूरा करने के लिए इसकी जरूरत है। अगर क्योंकि मैंने पहले बताया कि ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई कंपनी वर्क नहीं कर सकता, तो क्या अगर ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट होता है चैलेंज इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, आजकल क्या हो रहा है, लेबर सबसे बड़ा वर्कर जो होता है ना, पॉलिटिकल मुद्दा में शामिल होने वाला बड़ा फोर्स है, कुछ भी हुआ तो चलो उस कंपनी में हड़ताल करवा दो, कुछ भी हुआ तो पूरे इंडिया के लेबर एक हो जाते हैं उनको। और ये भी आप लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ट्रेड यूनियन के थ्रू, हर बड़ी बड़ी कंपनीज में, हर बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं भी हो, और ट्रेड यूनियन में कैसे उसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उनको मैनेज करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जरूरत पड़ा, एचआरएम की जरूरत है। मीटिंग, अब रिसर्च, कोई भी रिसर्च हो रहा है डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो मीटिंग करता है वो ये डिपार्टमेंट ही करता है, एचआरएम जो है उसी में से कोई जाते हैं, कुछ न्यू पॉलिसीज को अगर रिव्यू करना है, उसको लागू करना है, तो वो सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है। तब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्राइज टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच की कड़ी होता है,
ये क्या करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, दोनों का फायदा देखता है बीच में। ये डिपार्टमेंट जो है कंपनी का भी बेनिफिट एश्योर करता है और जो हमारे इम्प्लॉयज हैं उनका भी बेनिफिट देखता है। दोनों के को तालमेल बैठाने वाला डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट जो होता है। वो इसीलिए वर्क करता है कि कंपनी स्मूथली रन करे और यहाँ की जो नीड्स है उसको अपर लेवल तक पहुंचाता है, उनका जो डायरेक्शंस है उनका जो नीड है कि वर्कर से हमको ये चाहिए इस तरह का काम, वो इन लोगों से पूरा करवाता है। तो दोनों के बीच की एक कड़ी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप समझ गए इससे अच्छा, इट असिस्ट इम्प्लॉयज इन अटेनिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और यही है वो क्या करता है, इम्प्लॉयज का इंडिविजुअल, उसका अपना जो गोल है, अपना गोल उसका अपना भी कुछ है कि हम कहाँ पहुंचेंगे, हमको सैलरी बढ़ना चाहिए, मेरा पोस्ट मिलना चाहिए, मेरे फैमिली को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, हमको बेनिफिट्स मिलना चाहिए, सैलरी के अलावा हमको पर्क्स मिलने चाहिए, हमको अदर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सिक्योरिटी। आजकल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई रिस्क हो तो फिर उसमें क्या मिलना चाहिए, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, अपने उसमें पढ़ेंगे बहुत कुछ उसमें सिक्योरिटी में आपको आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी। तो ये इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, उसको भी फुलफिल करने में मदद करता है, असिस्ट करना मैंने उसको मदद करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी, कंपनी के गोल को भी फुलफिल करने में मदद करता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि समझना है, तो आप यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसको इसीलिए इस पर स्टडी करना बहुत जरूरी है और इस पर हमेशा रिसर्च हो रहे हैं। ये जो आपका जो टॉपिक है वो कहीं पर रुक नहीं गया है, रोज इसमें आपको नया चीज मिलता है, नया रूल, नया मेथड आपको मिलेगा। ठीक है, अब पहले मैंने बताया था कि पर्सनल मैनेजमेंट पहले इसे कहते थे, अभी इसका नाम हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट में कुछ ऐड किया गया जिससे कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना। तो क्या फर्क है, तो देखिए पहले पर्सनल मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। पर्सनल, ये पर्सनल है, पर्सनली इसका नाम है कर्मचारी। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। ये क्या है पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट इज बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। ये सिर्फ था कि पहले जो भी इम्प्लॉयज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, उनका सारा रिकॉर्ड रखना शुरू में, बस वो कब आ रहे कब जा रहे, किनको क्या काम असाइन किया गया है, फिर वो कौन अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन किसको सैलरी अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही, टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, किसको कितना दिन छुट्टी लिया, कितना सैलरी काटना है, कितना उसको इंसेंटिव देना, ये सब इसका काम था, इस डिपार्टमेंट का, बस सिर्फ ऑपरेशनल वर्क एट द ऑपरेशन लेवल, बताया ना ऑपरेशनल वर्क, सिर्फ फंक्शनल लेवल पे पहले काम करता था ऑपरेशन में, कि वर्क को करवाना, वर्क को स्मूथली करवाना इस डिपार्टमेंट का काम था। पर्सनल मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू मेंटेन फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका वही काम था कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, लेबर हैं, उनको जो भी सही टर्म्स एंड कंडीशंस ने फुलफिल किया जाए उनके लिए, उनका जो बेनिफिट है वो, उसको कहीं भी शोषण उनका नहीं किया जाए, उनको कहीं भी एक्सप्लॉयट नहीं किया जाए, ये देखना भी उनका काम था। एफिशिएंटली मैनेजिंग पर्सनल एक्टिविटीज, और ध्यान देना कि कोई वो काम सही से कर रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इटीसी। इट इज अज्यूम दैट द आउटकम्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग जस्टिस, उनको जस्टिस, उनको जो वैसे आउटकम आ रहा है कंपनी में उसका सही शेयर उनको मिले, कभी बोनस मिले, कभी कैसे टाइम पे इंसेंटिव मिले, ये सब देखना। अचीविंग एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज, अब वही मैंने बताया ना कि जो उन कर्मचारी का जो एक्टिविटीज है उसमें क्या लाना, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मींस कि जितना वो वर्क कर सकते हैं उनसे पूरा उस तरह का काम उनसे करवा लेना, मींस उनका 100% कंपनी को मिले। ठीक है, अब ये सब करने से क्या होता था, विल रिजल्ट अल्टीमेटली इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब कर्मचारी को मैनेज किया, उनको उनकी सुविधा दे दिया, कंपनी के गोल को पूरा किया, प्रोडक्शन सही हो रहा है, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को अचीव किया जा रहा था। तो यही पहले ये डिपार्टमेंट था, पर्सनल मैनेजर होते थे जो ये काम करते थे।
उसके बाद क्या हुआ, देखा गया कि इतना से काम नहीं चला, लेबर सेटिस्फाइड नहीं, वर्कर सेटिस्फाइड नहीं होते थे, इम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ ग्रीवांसेस और रह ही जाता था। तो फिर उसको डिपार्टमेंट का नाम रखा गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन को एज अ रिसोर्स माना गया, सिर्फ जो वहां काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करें। अब देखिए इसमें क्या दोनों में फर्क आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट, ये जो अब आ गया पहले पर्सनल मैनेजमेंट, और इसमें जो मेन अंतर है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, इम्पिटेंट इसमें डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ उसका उसका हक दिलाने की बात थी कि उस जो वर्क है वो सही से करे और उसको जो मिलना है सुविधाएं वो मिल जाए। मगर एचआरएम में डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपल स्ट्रेटेजीज, अब इसमें स्ट्रेटेजीज का यूज किया गया कि किसको कैसे कहाँ लगाया जाए, कैसे उनका पहले से कितना, बहुत सारा चीज में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी में, जो एचआरएम की स्ट्रेटेजी, ये आपको समझ डेवलपमेंट होगी आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड, और पीपल स्ट्रेटेजीज लगाया जाए किस तरह के रिसोर्सेज को हम कहाँ से लाएं, उनको कहाँ लगाएं, उनका डेवलप करके उनको किधर फिर इंगेज करें, ये सब इसमें उसके लिए पहले से रूल बन सकते, सक्सेशन प्लानिंग होता है, पहले से लोगों को तैयार रखा जाता है, कभी कोई कंपनी में कोई छोड़ के गया तो वहां उसको रखना है, तो बहुत सारा चीज यहाँ पर स्ट्रेटेजी शुरू हो गए विच आर इंटीग्रेटेड विथ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को बोलते हैं, ठीक है इसको समझिए, आगे सब सब डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, एंड इंश्योर दैट द कल्चर वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब पर जोर दिया गया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन, अब मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, कोई कंपनी अमेरिका की है, इंडिया में भी उसका ब्रांच है, चाइना में भी है, तो हर जगह का वैल्यूज, हर जगह का कल्चर सब अलग होता है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों का भी सुविधा जो मिलना चाहिए, या वर्क एटीट्यूड जो होगा वो अलग होगा, उनको मैनेज करने का तरीका अलग होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किस जगह है उस चीज को स्टडी करना, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना, रूल बनाना, पॉलिसी बनाना, ये सब अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में शुरू हुआ, जो इसमें इसमें नहीं था, इसमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ क्या हुआ, एंड क्वालिटी, क्वालिटी पर बात आ गई, मोटिवेशन, इम्प्लॉय को मोटिवेट करो, कमिटमेंट एंड इट्स मेंबर्स कंट्रीब्यूट फुल्ली टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। अब यहाँ पर बात होने लगा कि उसको किसी तरह से कंपनी का रिसोर्स का हर तरह से फुल उसका क्या किया जाए, यूज किया जाए, ताकि गोल को अचीव किया जा सके। कंपटीशन इतना बढ़ गया कि कोई कंपनी इससे इतना आगे निकल रही है, तो उसको उसके पॉलिसी को भी रीड करना है, दूसरी कंपनी आगे क्यों गई, फिर अपने में उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने लोगों में अगर उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, नए नए टेक्नोलॉजी आ गए और आपके यहाँ पुराने लोग ही काम कर रहे हैं जिनको कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको कैसे आप सिर्फ मैनेज करके जॉब पर नहीं रख सकते, तो आपको उसके लिए ब्रेक करके उनको ट्रेनिंग पर भेजना, फिर वो उनको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रेंड करके फिर उससे उनसे काम करवाना, इसके लिए पॉलिसीज बना बना बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब का नीड जब आया तो इस डिपार्टमेंट का नाम हो गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट अभी कहीं हर जगह जनरली देखा जाए तो पर्सनल मैनेजमेंट एक लोअर लेवल पर वही चल रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस पर वर्क करती हैं, जिनके लिए प्रोडक्शन का थोड़ा सा बढ़ना घटना भी मायने रखता है, वहां ये सब चीज लागू होता है। अब एचआरएम इज कंसर्न्ड विद कैरिंग आउट द सेम फंक्शनल एक्टिविटीज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द पर्सनल फंक्शन, वही वो सब भी करता है जो कि पर्सनल फंक्शन जो पहले होता था वो भी एचआरएम में फॉलो किया जाता है, सच एज एचआर प्लानिंग जो पहले भी था पर्सनल मैनेजमेंट में, ये भी था एचआर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस। एचआर प्लानिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो बात होगी आगे पूरा इस पर एक अलग चैप्टर ही होगा, जॉब एनालिसिस, जॉब के बारे, जॉब को पूरा से एनालाइज करना ताकि वहां पे किस तरह का काम है, इसके लिए हमको किस तरह के लोगों की जरूरत होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, किस तरह के हम कहाँ पे काम करवा सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये सब भी पहले पर्सनल मैनेजमेंट में भी होता था, वो यहाँ भी होता है, ये सेम है। Employee relation, relation के बाद वहां भी थी कि इंडस्ट्री में आपको पीस बनाने के लिए employees relation की जरूरत है। Performance management, ठीक
ठीक है, इम्प्लॉय अप्राइजल्स, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब इसमें नया आ गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बट द एचआरएम अप्रोचेस परफॉर्म दिस फंक्शंस इन ए क्वालिटिवली डिस्टिंक्ट, अलग तरीके से करता है। अब पहले भी होता था ये सारा चीज, कहने का मतलब है कि पहले भी कंपनसेशन मैनेजमेंट में सैलरीज एंड सैलरी मैनेजमेंट, कोई काम कर रहा है तो उसको उसके काम के हिसाब से सैलरी या फिर रिटर्न में कुछ मिले तो जो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन, तो उसको मैनेज करना, ये सब कुछ पर्सनल मैनेजमेंट में था। लेकिन अब ये चीज जो हो रहा है क्वालिटिवली डिस्टिंक्ट, अलग तरीके से हो रहा है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पहले था कि सिर्फ उस काम को करने के लिए बस उनको ट्रेनिंग दे दिया गया, और आज डेवलपमेंट, उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है ताकि उनका करियर बढ़े। बट अब ये समझ गए, व्हेन कंपेयर्ड विद पर्सनल, दोनों में अगर हम लोग करें तुलना तो आज वही सब चीज को अलग तरीके से ज्यादा डीप में जाके स्टडी करके, रिसर्च करके और डिफरेंट वे में किया जा रहा है। वे बदल गया है, चीज वही है, उस पे अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एम्प्लॉय पे, वर्कर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, अभी तक जो था हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस किया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात तो कर ली, तो मैनेजमेंट आप देखेंगे तो आपके आसपास हर जगह हर कोई मैनेजमेंट कर रहा है, हर कोई मैनेज कर रहा है हर चीज को, तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है। इवन कि आप घर को भी मैनेज करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करते हैं, अपने सामान को भी मैनेज करते हैं, सोसाइटी को भी मैनेज करते हैं, कहीं भी जाते हैं अपने स्टडी को मैनेज करते हैं, तो मैनेज करना मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आप इसको इसके वे में लेंगे, प्रोफेशनल वे में, तो इसका काम है प्लानिंग करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। उसके लिए क्या, इन चारों फंक्शंस के लिए पहले क्या करना, प्रिंसिपल्स बनाना, मैं रूल बनाना कि हम ऐसे 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 वर्क करेंगे, और फिर इन रूल्स को अप्लाई करना, एप्लीकेशन में लाना कि हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। इन हार्नेसिंग फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दो वर्ड आपको हर जगह यूज होगा जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेंगे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इसमें भी दोनों में अंतर होता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इफेक्टिवली कोई वर्क, अगर आप देखिए कोई आदमी को काम दिया गया कि आपको चार ये काम, इतना प्रोडक्शन आपको इस समय तक कर देना है, ठीक है, तो वो उतना काम अगर पूरा कर देता है, चाहे उसको कितना भी समय लगे, और वो कर लिया, कितना भी वेस्ट जा रहा है, मान लो उसको वर्क पूरा करने देना है तो कुछ तो वेस्ट भी हो रहा है, मगर वो काम को पूरा कर देता है समय पे, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवली काम करना, कि आपको आज का रिक्वायरमेंट था तो आपने आज वो काम पूरा करके दे दिया, चाहे कैसे भी कर दिया। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि ऑन टाइम और विथ चीफ मैनर, मतलब कि कम वेस्ट हो, कम खर्च में, जितना भी मिनिमम यूटिलाइज करके रिसोर्स को, उसका पूरी तरह से उसको यूटिलाइज करके और उस पॉइंट में काम को खत्म कर देना इन द चीपेस्ट वे, इसको बोलते हैं एफिशिएंटली मैनेज करना, इफेक्टली। अब मान लेते हैं आपको 5 दिन के बाद कहीं कोई शादी है, तो आपको मैनेज करना है इतने कम समय में, तो आपको तो पहले तो उसको उसका हर जगह आप खर्चा तो नहीं बचाएंगे ना, उसको कैसे भी करके आप उस दिन उस वर्क को परफॉर्म कर देंगे, तो ये हो गया आपका इफेक्टिवली, कि आपने वो काम कर दिया गया, काम नहीं हो होने से अच्छा है काम हो गया। लेकिन अगर कोई वहीं पे कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि उस काम को वो उस दिन पूरा कर ही देता है विथ एफिशिएंट मैनर, उसी को बोलते हैं कि जो सबसे बेस्ट वे और सबसे सस्ता तरीका अपना करके और अच्छा आउटपुट दे देता है, तो कहेंगे वो एक क्या है, एफिशिएंट मैनेजर है, वो उस काम को एफिशिएंटली कर लिया। एफेक्टिवली नहीं बोलेंगे, एफिशिएंटली बोलेंगे, ये दोनों वर्ड भी आपको हर जगह यूज होंगे और काम भी आएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट इज एसेंशियल, जो हमने बताए थे अभी उसी को यहाँ समझेंगे। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के लिए भी जरूरत है।
अगर आप घर को ढंग से मैनेज नहीं करते तो आपका जो लाइफ है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। आपको प्लानिंग करना होता है कि आपको किस एज में क्या करना है, कब क्या चाहिए, कब क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो आप प्लानिंग बचपन से करते हैं कि हमको क्या बनना है, तो आप वहां भी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने करियर को प्लान कर रहे हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है, तो ऑर्गेनाइज कर, जो भी चीज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो आपका मैनेजमेंट है। एंड नेसेसरी टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नेसेसरी है ही, वहां पर तो आपको मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अनजाने अनजाने हर कोई हर दिन कुछ ना कुछ मैनेज करता है, तो मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजिंग लाइफ मीन्स गेटिंग थिंग्स डन। ये चीज याद रखना कि किसी भी चीज को हो जाना, किसी भी काम का हो जाना और सही तरीके से हो जाना ही मैनेजमेंट है। उसी को बोलते हैं मैनेजिंग लाइफ, टू अचीव लाइफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ मतलब एम है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू प्लान कि ऐसे आज ये, आज वहां तक, कल वहां तक, फिर वहां, फिर हम ये पढ़ेंगे, या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसको कि अगर आपको अचीव करना है उस ऑब्जेक्टिव को, तो यू हैव टू प्लान और फिर उसको मैनेज करना कि ताकि वो उस समय तक आते आते आपका क्या हो, वो चीज आपको, वो गोल आपको अचीव हो जाए। इसी को बोलते हैं मैनेजिंग लाइफ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करना है तो उसको ऐसा तो नहीं सीधे जाकर इंजीनियरिंग कर लेगा, वो क्लास 8-9 से पढ़ाई शुरू कर देता है, वो कंपटीशन की तैयारी करता है, फिर कम्पीट करता है। उसके बाद इसको किसी को कुछ और बनना है, किसी को यूपीएससी देना है, तो वो उस तरह का सब्जेक्ट चुनता है, उस तरह से पढ़ता है, तब जाके वो वहां पहुंच पाता है। तो वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है अपने दिन भर के वर्क को, पढ़ाई को, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, तो वो भी तो मैनेज कर रहा है। एक अगर हाउस वाइफ है तो अपने घर में बजट मैनेज कर रही है, अपने वर्क को मैनेज कर रही है, किस समय पे क्या करना है नहीं करना, तो वो भी मैनेज कर रही है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम, कोई भी थिंग जो सही नहीं हो सकता, उसके लिए एक मैनेजमेंट प्लानिंग, एक प्रोसेस जरूरी है। एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर पीपल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब सिर्फ खुद को मैनेज करना ही नहीं है, वो दूसरों के द्वारा भी आप उस चीज को, दूसरों लोग में, दूसरों को भी मैनेज करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको प्लानिंग किए कि आपको ये बनाना है, तो क्या कर रहे हैं वो, आपके लिए वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं ताकि वो आपका जो आउटपुट है वो उनको मिले कि आप, उन्होंने अपने बच्चे को यहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, बट वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को हम लोग इस तरह समझते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह होता है। अब आगे इसका आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग मैनेजमेंट का क्या क्या उसका स्कोप है, तो उसमें पूरा डिटेल्स में इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, तो 5 फंक्शन बेसिकली होता है। देयर आर बेसिकली 5 फंक्शन। पहला क्या, प्लानिंग। आप कोई काम करने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उस काम को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मीन्स कैसे ऐसे करेंगे वो हम लोग ऑर्गेनाइज कर लिए, फिर उसमें उस काम के लिए अगर हमसे अकेले हो सकता है तो अकेले करेंगे, नहीं अगर हमको 4 लोगों की जरूरत है या बड़ी कंपनी है तो उसमें हजारों लाखों लोगों की जरूरत है, तो कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे उनको काम देंगे, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, स्टाफिंग के अंदर। डायरेक्टिंग में जो अब हम लोग काम शुरू कर दिए, तो जो काम है प्लस जिन लोगों से काम ले रहे हैं उनको डायरेक्ट करना, उनको दिशा दिखाना, उनको बताना कैसे काम करना है, क्या करना है। और कंट्रोलिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि जो काम हो रहा है उसका फीडबैक लेते हैं कि क्या काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर अगर उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है उसको सुधार करते हैं। आइए थोड़ा डिटेल्स में उसको देख लेते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये याद रखिएगा, प्लानिंग कभी भी आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं करते प्लानिंग हम लोग, फ्यूचर कल, कल से ज्यादा जब भी फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं हम लोग। एंड डिटरमाइंस एन ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन, कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, उस तरह से उसकी प्लान करके पॉलिसी बनाते हैं कि ऐसे हमको ये अचीव करना है, हमको 2030 में ये अचीव करना है, हमको यहाँ तक जाना है, तो हमको उसके लिए आज यहाँ वर्क करना है। ये ईयरली भी हो सकता है, 10 ईयर्स पर भी हो सकता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है फिर उस हिसाब से उसको प्लान किया जाता है। इट इज अ रैशनल एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ मेकिंग डिसीजन। टुडे डिसीजन हम आज लेते हैं, ठीक है, और कब के लिए लेते हैं, आज डिसीजन लिए और किसके लिए लेते हैं, फ्यूचर के लिए।
याद रखिएगा, मैनेजमेंट में जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, उसके लिए हम एक विजन होता है, विजन एक हम देखते हैं कि वहां तक हमको जाना है, तो उसके रास्ता हमको आज ढूंढना होता है, आज प्लान करना होता है, और वो हम लोग प्लान करते हैं, दैट विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, वही आपके कंपनी के फ्यूचर को अफेक्ट करती है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, फोरसाइट माने वही विजन कि आप एक सिस्टमैटिक ढंग से कल्पना करते हैं, एज वेल एज करेक्टिव। ये देखिए, ये भी याद रखिए, कंट्रोलिंग जो मैंने बोला वो बाद में हम लोग सोचते हैं, अगर हम ऐसे कर रहे हैं, अगर हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि यहाँ तक गए, यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, देन यू हैव टू चेंज योर वे, हमको अपना रास्ता बदल देना है और फिर आगे जाना है, या अगर तीन चार रास्ता दिख रहा है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये आगे पढ़ेंगे, इसमें ट्राई एंड एरर आता है, फिर दूसरा रास्ते पे जाते हैं, या कभी कभी बेस्ट वे फर्स्ट टाइम में ही चुन लेते हैं फिर उसी पर चल देते हैं, ठीक है, बट गोल को पहुंचने के लिए प्लान करते रहते हैं। तो करेक्टिव भी, अगर हमारा जो हमने प्लान किया वो सही नहीं जा रहा है, हमारा सही कंपनी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर जो भी हमने चुना रास्ता ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, तो देन चेंज करते हैं, चेंज योर प्लान, और फिर से उस पर लगते हैं, दूसरे तरीका, दूसरे पॉलिसीज को फिर से अपनाते हैं, वो भी प्लानिंग के समय ही डिसाइड कर लेते हैं, और आगे पढ़ेंगे फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें कि पढ़ेंगे उस समय एट अ पॉइंट भी हम लोग डिसीजन लेके चीजों को चेंज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये चीज और ध्यान, प्लानिंग में क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं, मैंने कहा ना पहले से ही भविष्य के बारे में सारा कुछ प्लान कर लेते हैं, प्रिडिक्टिंग ऑफ द फ्यूचर एज वेल एज अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल द इवेंट्स, हम लोग आगे क्या होगा वो प्रिडिक्ट करते हैं, और इवेंट्स जो होगा कैसे होगा उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे उसके बारे में भी प्लान पहले से कर लेते हैं। इन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फोरसी द इफेक्ट्स ऑफ करंट एक्शन, इसमें क्या होता है, हम लोग जो आज हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम किस तरह से करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट हमको पड़ेगा 4 साल बाद, हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, हमने प्लान किया कि 2 साल के बाद हम ये यहाँ रहेंगे या फिर ये कर लेंगे, हम इस तरह से इस चीज को करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी आज हम एक्शन कर रहे हैं, आज 4 साल बाद उसका क्या असर पड़ेगा उसको भी हम क्या करते हैं, अभी से प्लान में देख लेते हैं, फोरसी कर लेते हैं इफेक्ट, करेंट एक्शन, आज जो हम स्टेप उठाने जा रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा, फिर वहां पे उसके लिए भी रेमेडीज हम प्लान करके रखते हैं कि वहां अगर ऐसा हुआ तो हम क्या वे ढूंढेंगे, क्लियर, इन द लॉन्ग रन उसी को बोलते हैं, भविष्य में फ्यूचर में, लॉन्ग रन शॉर्ट रन भी आप पढ़ेंगे दो टर्म, शॉर्ट रन की बहुत छोटे समय के लिए कुछ प्लान करना, और लॉन्ग रन मींस कि बरसों बरसों के लिए प्लान करना इन द फ्यूचर, ठीक है। चलिए, प्लानिंग का मतलब यही होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, बस इसको भी समझना है। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, आपको हम शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं, फिर इन सब टॉपिकों को आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है जो कि सब टॉपिक सब्जेक्ट को लिए हैं उनके लिए। देखिए, आप ऑर्गेनाइजिंग अब क्या होगा, ऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है किसी चीज को अरेंज करना, तो ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर कि अब आप कैसे उस चीज को करेंगे, ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, एंड द डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ सच अथॉरिटी। मान ले एक अथॉरिटी है जो कि उस चीज, उसको एक काम सौंपा गया तो वो क्या करेगा, उसको पॉलिसीज प्लानिंग करके दे दिया गया कि आपको ये सब ऐसा वैसा करना है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा कि इस डिपार्टमेंट को ये काम दिया जाए, उस डिपार्टमेंट को वो काम दिया, इस काम के लिए इतने लोगों की जरूरत है, वो अब वो वहां पे ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगा, इस मशीन को यहाँ लगाना, उसको वहां लगाना, तो वो डायरेक्शन देता है अथॉरिटी का, थ्रू विच वर्क सब डिविजन आर डिफाइंड, अब सब डिविजन में बांटता है सारा काम एक ही जगह नहीं, तो डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये जो भी कुछ है, ये ग्रीवांस डिपार्टमेंट है, और सबको उसका वर्क, उसका रूल, उसका जो भी उसका बेनिफिट कंपनी सारा कुछ सब ने बताना करना यहाँ का काम है, ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि काम स्मूथली चले, अरेंज्ड एंड कोऑर्डिनेशन भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन, एक पर्सनल से दूसरे पर्सनल के बीच कोऑर्डिनेशन, उसको अरेंज करना सो दैट ईच पैटर्न टू द अदर पार्ट, एक दूसरे के लिए वो क्या करें, वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, इन यूनाइटेड मतलब एक होकर के,
पूरा डिपार्टमेंट में बांट देना, लेकिन उनके बीच में सारा कुछ ऐसा रखना कि वो एक हो और कोहेरेंट मैनर, मतलब कि स्मूथली एक साथ एक वे में चले, यानी कि एक डिपार्टमेंट इधर चल रहा है दूसरा उधर चल रहा है। सो टू अटेन द प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव, हर जगह हर चीज का जो ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लान कर लिया, उस प्लान के हिसाब से यहाँ पर वर्क करते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए स्टाफिंग, स्टाफिंग अब हमने पूरा प्लान कर लिया कि हमें यहाँ पर 10 लोगों की जरूरत है, यहाँ पर 50, यहाँ 100 चाहिए, यहाँ पर इस स्किल के वर्कर की जरूरत है, वहां पे उसकी जरूरत है, ये सारा हमने अरेंज कर लिया, प्लान कर लिया। अब यहाँ पर स्टाफिंग की बात आ गई कि उन लोगों को कैसे लाया जाए। तो स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ हायरिंग। अब यहाँ पर देखिए स्टाफिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हायरिंग, रिटेनिंग, उनको कहाँ पे लगाया जाए, सुटेबल वर्क पे, ठीक है, वर्कफोर्स फॉर द इंटरप्राइज बोथ एट मैनेजरियल एज वेल एज नॉन मैनेजरियल लेवल। आप उसको पहले मैनेज करना और फिर कहाँ से लाया जाए, ये नॉन मैनेजरियल लेवल्स होता है कि आपका यहाँ जो वर्क फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अपने यहाँ कैसे अट्रैक्ट किया जाए ताकि अच्छे अच्छे जो स्किल्स वाले लोग हैं वो आपके यहाँ आए। ये भी इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, ये सब लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपेंसेशन एंड इवेलुएटिंग इम्प्लॉइज। उसके बाद आ जाएगा मेंटेनिंग दिस वर्कफोर्स। ये चीज याद रखिए, ये सारा आपका एक एक चैप्टर है विथ प्रॉपर इंसेंटिव, इन सबको हम डिस्कस कर देते हैं, एंड मोटिवेशन। अब देखिए इस डिपार्टमेंट का काम है रिक्रूटिंग, मानने की लोगों को एडवर्टाइजमेंट निकाल करके आकर्षित करना, ट्रेनिंग, फिर उसको रिक्रूटिंग करना, सारा कुछ आ जाएगा, फिर उसको डेवलप करना, उसके उसको सैलरी कितना मिलेगा ये डिसाइड करना, कंपनसेशन होता है, फिर जो वो वर्क कर रहा है उसको इवेलुएट करना भी स्टाफिंग डिपार्टमेंट का ही काम है, फिर मेंटेनिंग दिस वर्क फोर्स जो अब है उसको अपने यहाँ सही ढंग से बनाए रखना, उसको बोलते हैं मेंटेनिंग, मेंटेनिंग दिस वर्क फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद उसको अगर कोई बहुत अच्छा काम करे उसको प्रॉपर इंसेंटिव मिले एंड मोटिवेशन मिले ताकि वो अपना 100% वर्क दे सके। सिंस द ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में जो ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिक्रूट द राइट पर्सनल, इसलिए जरूरत है कि सही लोगों को रिक्रूट किया जाए। ये वो स्टाफिंग के अंदर हम लोग करते हैं और ये बहुत बड़ा काम होता है कंपनी के लिए स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग, अब हमारे यहाँ लोग आ गए, उनका प्लेसमेंट हो गया, उनका इंडक्शन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, वो काम पे लग गए, अब उनको क्या करना, डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन फंक्शन, कि डायरेक्शन फंक्शन क्या है, इज कंसर्न्ड विद लीडरशिप। अब वहां पे कोई एक लीडर होगा जो उन लोगों को वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उनको काम बताएगा, ये लीडरशिप हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के अंतर्गत, उनको मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन पढ़ेंगे, सुपरविजन, उनको देखेगा कि उनका काम कैसा है, काम में कोई कमी आ रही है तो उसको करके बताएगा, सिखाएगा, सो दैट द एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इन द मोस्ट एफिशियंट, देखिए एफिशियंट, एफिशियंट वे में करना, जो हमने बताया इफेक्टिव नहीं, एफिशियंट। कोई भी कंपनी चाहती है कि उसके यहाँ जो रिसोर्स है, जो भी वर्कर है, जो भी एम्प्लॉयज है, वो एफिशियंटली वर्क करे, इफेक्टिवली तो करना ही है, बट एफिशियंट मीन्स बेटर, एफिशियंट मैनर माने कम खर्च में ज्यादा अच्छा काम पॉसिबल इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल। क्योंकि क्या होता है, कोई कंपनी चाहती है कि हम खर्च कम करें और हमें इनपुट कम लगे, आउटपुट ज्यादा मिले, हमें लाभ ज्यादा मिले, प्रॉफिट ज्यादा मिले, तो उसके लिए वो कई तरह के स्ट्रेटेजीज को अपनाती है। तो डायरेक्शन का मीन्स होता है कि बस आगे एक लीडर रहता है, लीडर करना, लीडरशिप मतलब कि उसको हमारे पीछे जो लोग हैं उनको काम करने का तरीका बताना और उनको मोटिवेट करना, उनसे बात करना, उनको प्रोत्साहित करना ताकि वो अपना काम कर सके। और इन सब टॉपिक पर आपको सेपरेट लेक्चर मिलेगा आगे। कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोल, अब कंट्रोलिंग सॉरी कंट्रोल करना जो लास्ट फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ही होता है किस चीज पर,
किसी चीज को मैंने कंट्रोल करना, मैंने अपने अधिकार में रखना ताकि वो सही वे में जाए। तो कंट्रोल में क्या होता है, दोज एक्टिविटीज की बात इसमें की जाती है टू इंश्योर दैट द इवेंट डू नॉट डिविएट, जो हमारा गोल है, हम जो एक्शन कर रहे हैं वो हमारे उससे हम भटके नहीं, डिविएट नहीं हो फ्रॉम द अरेंज प्लान, जो मेरा प्लान है वो देखना कि मेरा प्लान जो हम किए थे एक साल में इतना प्रोडक्शन हो, एक साल में ऐसे हो, वो हो रहा है कि नहीं। हमने वन ईयर प्लान बना लिया एंड देन ईयर के एंड में क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमने जो 30% का प्रॉफिट का गोल रखा था क्या वो अचीव हुआ कि नहीं, हमने ये गोल रखा था कंपनी में क्वालिटीज का अचीव हुआ कि, अगर कम रह गया तो हम लोग फिर उसमें कुछ और बढ़ाएंगे, कुछ और तरीका ढूंढेंगे। तो ये करना कि हमारा जो गोल है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसका काम है। द एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क। अब ये जो आपका जो मैनेजमेंट है ये वर्क का स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि एक दिन में इतना काम, इस काम की, इस प्रोडक्शन की एक क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वर्क परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कर देता है, उससे फिर उसको तुलना करता है कि आप इसके हिसाब से काम किए कि नहीं किए, आपका काम वर्क हुआ कि नहीं। एक दिन में अगर 100 पीस कोई चीज प्रोडक्शन होना था तो कितना हुआ, तो उसको ये आप डेली भी उसका होता है कंट्रोल, आज अगर 100 नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो क्या कमी रह गई, या वर्कर एफिशिएंट नहीं थे, या फिर इन्वायरमेंट सही नहीं था, या फिर आपको रिसोर्स मिलने में देरी हुआ। तो बहुत तरह की चीजें हैं जिनको कि फिर क्या किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है और फिर उसको अगले दिन फिर से प्लान करके उससे आप उसको टारगेट को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस बताया उसमें आ जाता है आपका, एंड कंपेयरिंग, उसको फिर कंपेयर करना कल से, आज से कल अच्छा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। टू दीज सेट स्टैंडर्ड, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अनुसार काम फिर हुआ कि नहीं, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो पहले बताए अगर नहीं हुआ है तो आप उसके लिए क्या करेक्शन कर रहे हैं, करेक्टिव करेक्शन के लिए क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं वो डिसाइड करना, एंड व्हेन नीडेड टू करेक्ट एनी डेविएशन। मान लेते हैं कि हमको 100 पीस का प्रोडक्शन करना था और आज 50 ही हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, तो वो जो डेविएशन आया 50 का, उसको पॉलिसीज को सुधार करके या फिर कुछ भी सुधार करके, वो एक दिन में तो नहीं होगा, तो 4 दिन में उसको बांट करके, कल 100 से ज्यादा, परसों 100 से ज्यादा करके हमको टारगेट को पूरा करना चाहे होता है, उसके लिए हमको एक आध लेबर, एक आध रिसोर्सेज कुछ तो बढ़ाने पड़ेंगे, मशीनरी बढ़ाना होगा, तो उसको हमको फुलफिल करना है। तो इसको बोलते हैं कि करेक्ट एनी डेविएशन, कि आपका आज कम हो रहा है तो कल वो पूरा हो जाना चाहिए। अब एक दिन में नहीं होगा तो उसको 4 दिन में बांटना है, ताकि वो जो हमारा था कि हम 6 महीना में उतना 1000, 1000, 1000, 1000 जो भी हम अचीव करना चाहते थे वो मेरा अचीव हो जाए, तो वो उसके लिए फिर से प्लान करना, उसके लिए फिर से न्यू सारे पॉलिसीज में कुछ सुधार करना, ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अंदर हम लोग फीडबैक पढ़ेंगे, फीडबैक कई तरह के होता है वो पढ़ेंगे, बहुत चीजें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा आपका कहिए तो सब्जेक्ट है, और आज जहाँ की कंपनी इंडियन नहीं होकर ग्लोबल हो गई है, कहीं के लोग कहीं काम कर रहे हैं, कहीं की कंपनी कहीं है, वहां पर इस डिपार्टमेंट का और एचआरएम का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसकी स्टडी, इसके रिसर्च पे बहुत वर्क किया जा रहा है और रोज नए नए टेक्निक्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है कि आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है वो एक आइडिया मिल गया होगा, और आगे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कुछ समझ में आ गया होगा, बट इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक है जिसको कि आपको समझना है, जो कि आपको एग्जाम के व्यू से तो इम्पोर्टेंट होंगे ही, आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंस देके जाएंगे, आपको सीखेंगे। तो मेरे आगे के लेक्चर को ध्यान से देखिए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि क्या होगा, आपको जब भी मेरा लाइव क्लासेस होगा ह्यूमन रिसोर्स पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।